वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है टेशांत अग्रवाल। तो शुरू करते हैं आज की भी बिजनेस और फंडिंग न्यूज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क्स की। दोस्तों जो आज सेंसेक्स और निफ्टी दोस्तों अपने रेड सिग्नल पे हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है सेंसेक्स दोस्तों 700 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है और निफ्टी दोस्तों 200 पॉइंट से नीचे गिरा हुआ है। गोल्ड की बात करें दोस्तों जो गोल्ड है वो भी 150-200 रुपये से आज गिरा हुआ है। और अगर दोस्तों डॉलर की बात करें तो वो दोस्तों डॉलर जो है आज डॉलर गिर के 79.54 के आसपास अभी चल रहा है। दोस्तों डॉलर दोस्तों 80 रुपये के पार चला गया था कुछ दिन पहले, लेकिन दोस्तों डॉलर अब दोस्तों दोबारा से 79.50 के आसपास जो है आ चुका है। दोस्तों सबसे पहले जो खबर निकल के आती है दोस्तों ये है कि GST दोस्तों 28% दोस्तों बढ़ा है पिछले साल के अगस्त के महीने से कंपेयर करें तो। दोस्तों पिछले साल जो है अगस्त के महीने में 1,12,000 करोड़ का दोस्तों GST कलेक्ट हुआ था, लेकिन दोस्तों अगस्त 2022 में दोस्तों जो पिछले महीना भी गया है कल ही दोस्तों उसमें 1,43,000 करोड़ का दोस्तों जो है GST कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने, जो कि दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। पिछले 6 महीने से दोस्तों जो है 1,40,000 करोड़ के दोस्तों जो मार्क है दोस्तों उसको है GST कलेक्शन दोस्तों हर बार जो है क्रॉस कर रहा है पिछले 6 महीने से। तो काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों जो है लोग जो है GST को पे कर रहे हैं। दोस्तों नए लोग जो है GST के लिए नंबर के लिए एनरोल भी कर रहे हैं। तो अगली खबर निकल के आती है दोस्तों UPI की तरफ से। पिछले महीने दोस्तों जो है अगस्त के महीने में 10,73,000 करोड़ दोस्तों UPI ट्रांजैक्शन की वैल्यू दोस्तों निकल के आई है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट दोस्तों कल डेटा निकाला है 657 करोड़ दोस्तों UPI ट्रांजैक्शन जो है पिछले महीने हुए हैं, उनकी वैल्यू 10.73 ट्रिलियन रुपीज़ है। दोस्तों अगर उसको जुलाई के महीने से कंपेयर करें तो वो 10.63 ट्रिलियन रुपीज़ था, थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है। और काफ़ी अच्छी बात दोस्तों आप कितने दोस्तों UPI जो है एक महीने में कितने रुपये आप UPI से खर्च करते हैं दोस्तों आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। UPI दोस्तों जो है बहुत ही तेज़ी से जो है ग्रो कर रहा है और दोस्तों कई सारी कंट्रीज जो है UPI सिस्टम को अडॉप्ट भी कर रही है। दोस्तों अगली खबर निकल के आ दोस्तों जो सेंटर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोस्तों जो है विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स को दोस्तों दोबारा से जो इम्पोज किया है डीजल की एक्सपोर्ट। दोस्तों अब डीजल दोस्तों जो है 7 रुपये की बंदी तो जो है 6.5 रुपये दोस्तों उस पर एक्स्ट्रा 13.5 रुपये का जो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स कंपनी जो सरकार ने उसने लगाया है। दोस्तों एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF दोस्तों जो 2 रुपये लग रहा था दोस्तों टैक्स अब दोस्तों 9 रुपये जो है सरकार ने कर दिया है। कल दोस्तों ये खबर सरकारी तरफ से निकल के आई है। ऐसे दोस्तों विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स होता क्या दोस्तों, जब एनर्जी कंपनी जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बहुत ज्यादा प्रॉफिट करती है तो उन पर गवर्नमेंट जो है दोस्तों टैक्स को बढ़ा देती है। और दोस्तों ऐसा करना भी अच्छा है क्योंकि दोस्तों उससे क्या है गवर्नमेंट के पास टैक्स रेवेन्यू अच्छा खासा जो है कलेक्ट होकर आता है। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों कि 8 ऐसी कंट्रीज हैं दोस्तों जिन्होंने जो है रुपीज से भी ज़्यादा जो है आउट परफॉर्म किया, वर्स परफॉर्म किया। दोस्तों 8 ऐसी कंट्रीज हैं दोस्तों जिसमें जो इंक्लूड है दोस्तों अपने ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश करोना दोस्तों और अपने जो है जैपनीज, इन सभी कंट्रीज ने दोस्तों जो है UPI से भी ज़्यादा जो है गिरी है 0.6% से लेकर 2.9% जो इनकी करेंसीज गिरी है। दोस्तों इंडोनेशिया रुपी, हांगकॉन्ग का दोस्तों डॉलर और दोस्तों UAE का जो दिराम है वो दोस्तों बढ़ा है इन कंपैरिजन ऑफ डॉलर। दोस्तों तो रुपी दोस्तों काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी कर रहा है क्योंकि क्या है डॉलर की कंपैरिजन में अगर और कंट्रीज़ के जो रुपीज और करेंसीज को देखें तो दोस्तों जो है रुपी की कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा गिर रही हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो रुपी है दोस्तों वो काफ़ी स्टेबल जो है बना हुआ है अभी तक। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों गवर्नमेंट ने कल कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है इस साल दोस्तों 7 से 7.5% जो ग्रो करने वाली है। RBI ने कहा दोस्तों हमारी जो इकोनॉमी है 7.2% से ग्रो करेगी। अगर पिछले साल की दोस्तों क्वार्टर से दोस्तों जो हमारी पूरी साल से कंपेयर करें तो 2021-22 से दोस्तों पिछले साल जो है 8.7% जो है हमारी इकोनॉमी ग्रो करी थी। और दोस्तों गवर्नमेंट जो प्रेडिक्शन लगाए थे इस साल के शुरुआत में वही दोस्तों जो है गवर्नमेंट उसी हिसाब में चल रही है अभी भी। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है कि इंडिया की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोस्तों 7.6% पे अब आ चुकी है। दोस्तों 8.2% से जनवरी से मार्च में अगर कंपेयर करें दोस्तों 0.6% जो है गिरी है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी लोगों जो है अभी नौकरी मिल रही है। और अगर पिछले साल से कंपेयर करें 2021 में अप्रैल से जून के क्वार्टर में दोस्तों जो है कोविड की वजह से जो है बहुत सारे लोगों की नौकरी गई थी दोस्तों, लेकिन अब दोस्तों वो रिकवरी में आ रहे हैं। और अगर जॉबलेस रेट की बात करें दोस्तों जो वुमेंस के लिए जो सिटीज में जो है 9.5% जो है गिर चुकी है, यानी दोस्तों वुमेंस को भी जो है अब नौकरी मिल रही है। अगर आपको दोस्तों अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो एम्प्लॉयमेंट हो आप कहाँ पर नौकरी करते हो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है दोस्तों जो FDI इक्विटी इनफ्लो है तो 6% गिरा है दोस्तों। अब दोस्तों 16.5 बिलियन डॉलर दोस्तों जो है हमारे पिछले फर्स्ट क्वार्टर दोस्तों इस साल के में आए हैं। अगर इसको पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो दोस्तों 7.5 बिलियन डॉलर थे पिछले दोस्तों इन 3 महीने में जो है 22.34 बिलियन डॉलर दोस्तों आए हैं, जिसमें दोस्तों जुलाई के महीने में दोस्तों जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो है FDI के द्वारा निकाला गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कम हुआ है। और दोस्तों अकेले सिंगापुर ने दोस्तों जो है लगभग 5.5 बिलियन डॉलर दोस्तों इंडिया में इन्वेस्ट किए हैं पहले 3 महीने के अंदर।